किसान भाइयों नमस्ते। आज हम लोग हाथ की मशीन से लगाई हुई गोभी की नर्सरी के बारे में जानेंगे। बढ़ती हुई मजदूरों की समस्या, मतलब मजदूरों की अनुपलब्धता इस ओर धकेल रही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों के माध्यम से करें ताकि काम समय पे हो सके और काम पूरा हो सके। तो आप चित्र में देख रहे हैं, ये तुषार जी पाटीदार हैं, गौली पलासिया इंदौर के पास के गांव के किसान हैं और इन्होंने पहली बार ये हाथ से चलने वाली छोटी सी मशीन के द्वारा गोभी, पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार की है। देखिए ये मशीन जो है इसमें 5 लाइनें हैं और हर लाइन में लगभग 1 पाउच सीड का चला जाता है और इस तरीके से आपको इस मशीन को यूज़ करना है। पहिए के ऊपर पहिया दोबारा आएगा तो वो लाइन खाली रह जाएगी, इसलिए उस एक लाइन पीछे करके चलानी है। नर्सरी लगाने के बाद, ये डालने के बाद बोरे से इन्हें ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे। इस नर्सरी में स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की गई है और 4 से 6 दिन के अंतराल पे ये बोरे हटा दिए जाते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ प्रभावित ना हो। एक बार जड़ फूटने के बाद पौधा अपनी सुरक्षा और न्यूट्रिशन वगैरह खुद खींच सकता है। पौधे बाहर आने के बाद कोई हल्का फुल्का कीटनाशी छिड़काव किया जाता है ताकि इल्लियां और झिंगुर इत्यादि पौधे से दूर रहें और कंट्रोल में रहें। देखिए कितनी बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है, हल्का सा घना जरूर है, वो मशीन चलाने की स्पीड द्वारा आप उसको या गियर चेंज करके आप बदल सकते हैं। और फाइनली ये आपकी 22 दिन की नर्सरी है गोभी की। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया तुषार जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी के काम आएगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए वेक्टर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।